क्या कार्य वहां पत्थर रख दिए गए हैं और राष्ट्रीय ध्वज के कार्यक्रम में क्या कहना है? कारण तो मैं बताया कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, आम जन को रोकने के लिए वो पत्थर रखे जा रहे हैं, लेकिन उद्घाटन तो आम जन के लिए हो रहा है ना, तो पत्थर तो उनको हटाना पड़ेगा, जिसे वो रख रहे हैं वो हटाएंगे भी। और जहाँ तक आप परमिशन के लिए कहें, आप परमिशन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, मैं परमिशन के लिए चक्कर नहीं लगा रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आ चुका है, डीएम एसपी सारे लोग अवगत हो चुके हैं, मैं उनको सूचित कर दिया हूँ कि मेरा कार्यक्रम कहाँ कहाँ होना है। परमिशन देना और न देना उनके हाथ में है। परमिशन नहीं देंगे, 2022 चुनाव से पहले परमिशन नहीं देंगे, यह तय करूँगा 15 तारीख के रात में। तो क्या 2022 चुनाव से पहले क्या माना जाए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है 2022 चुनाव की रणनीति होगी? यह परिवर्तन रथ है, यह विजय रथ है, यह निकला है तो विजय करके सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश की गरीब जनता को केंद्र में रखकर के सारे फैसले होंगे। ये तो धंधा सेठों को रखकर फैसला करते हैं ना, हम गरीब को केंद्र में रखकर फैसला करते हैं।